राष्ट्रमंच की ये मीटिंग ढाई घंटे चली और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या तय हुआ, इसके बारे में विस्तार से आपको हमारे दो साथी जो यहाँ उपस्थित हैं, तीन साथी, मजीद साहब, घनश्याम तिवारी और पवन वर्मा, पवन, ये तीन लोग विस्तार से आपको ब्रीफ करेंगे जो ढाई घंटे का डिस्कशन हम लोगों का हुआ उसके बारे में। और इसलिए आप लोग धैर्य रखिए, सारी बात बताई जाएगी और सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो आज जो चर्चाएं हुई, सबसे पहले मैं उसका निचोड़ बताना चाहता हूं। जो सबसे महत्वपूर्ण निचोड़ है उसका, वो ये है कि इस देश में बेहद आवश्यक है कि एक अल्टरनेट विजन तैयार किया जाए, एक ऐसी सोच तैयार की जाए जो वाकई इस देश के ज्वलंत मुद्दों पर, जिससे देश का आम नागरिक जुड़ा रहता है और जिससे वो आगे बढ़ने की सोच सकता है, उन मुद्दों पर वो सोच बुलंद हो। तो उस अल्टरनेट विजन के लिए राष्ट्रमंच ने अधिकृत किया है कि यशवंत सिन्हा जी, जो कि इसके मुख्य फाउंडर हैं, कन्वीनर हैं, वो एक टीम गठित करेंगे जो हर प्रकार के मुद्दे पर एक मजबूत विजन देश को देगा। इस विजन का हिस्सा देश के नागरिक होंगे, देश की सामाजिक संस्थाएं होंगी, राजनीतिक दल इस विजन का हिस्सा बनेंगे। और इस तरीके से ऐसा नहीं होगा कि हमारे युवा देश में विजन का अकाल हो और खासकर सिर्फ इसलिए अकाल हो जाए कि मौजूदा सरकार किसी विजन पर काम नहीं कर रही। तो एक पहला निचोड़ इसका ये है, उस विजन में तमाम चीज़ें होंगी, आप सभी लोग ग्राउंड पे कवर करते हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किसान के मुद्दे हों, देश की लोकतंत्र की व्यवस्था की बात हो, प्रेस की बात हो, महंगाई की बात हो, पेट्रोल डीजल की बात हो, हर तरीके का सेंटर स्टेट रिलेशनशिप हो, हर तरह के मुद्दे उस विजन का हिस्सा बनेंगे। और वो विजन इंक्लूसिव विजन होगा, वो एक पॉजिटिव विजन होगा देश को आगे बढ़ाने वाला, वो एक कन्फ्रंटेशनल विजन की बात नहीं है, ये एक पॉजिटिव विजन की बात है अगली पीढ़ी के लिए। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में मजीद सर ने कहा भी कि ये अहम है कि राष्ट्रमंच एक ऐसे मंच के रूप में रहे जो सबको सम्मिलित कर सके, जिसके पास भी राष्ट्र के निर्माण की जो भी महत्वपूर्ण सोच है, चाहे वो राजनीतिक दल है या अपने तरीके से काम करने वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक संगठन है, स्कूल और कॉलेज से जुड़े हुए अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, या कॉलेजों में पढ़ने वाले वो बच्चे हैं जिनके पास अपने आने वाले भविष्य की चिंता भी है और अच्छे भारत की सोच भी है। राष्ट्रमंच उन सभी लोगों को सम्मिलित करेगा, उन लोगों को भी सम्मिलित करेगा जो देश के अंदर सोच रखते हैं, उन भारतीयों के लिए भी एक मंच प्रस्तुत करेगा जो देश के बाहर हैं लेकिन भारत के लिए एक बुलंद सोच रखते हैं। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बात आज राष्ट्रमंच ने तय की। मंच की चर्चाओं में यह भी सामने आया कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल की लगातार ऊंची कीमतें देश के हर नागरिक को, खासकर किसानों को और मध्यम वर्ग को लगातार प्रताड़ित कर रही हैं। तो राष्ट्रमंच उस विषय पर भी एक आम माहौल बनाएगा कि पूरा देश एकजुट होकर के सरकार से कह सके कि हम लोगों की जेब से ये पैसा लेना आप बंद कीजिए और सरकार को नए रास्ते खोजने पड़ेंगे, लेकिन इस तरीके से देश के आम नागरिक को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। इस तरीके के अन्य मुद्दों पर भी राष्ट्रमंच रुख रखेगा। इसके अलावा अंततः यही कहूंगा कि राष्ट्रमंच की अगली बैठक होगी, उस अगली बैठक में आप देखेंगे कि एक बहुत विस्तृत मंच है, इस तरह की चर्चाएं कि किसी को नहीं बुलाया गया या कोई पार्टी सम्मिलित नहीं हुई, मैं चाहूंगा, हम सब चाहेंगे कि उस तरह की चर्चाएँ राष्ट्रमंच के बारे में मुख्य चर्चा ना हो, बल्कि हमेशा चर्चा इस बात पर हो कि हम और किसको सम्मिलित कर सकते हैं। तो हम लगातार प्रयास करेंगे कि इस मंच में हम अन्य साथियों को सम्मिलित कर सकें। क्या ममता बनर्जी के बारे में बात हुआ, क्या ममता बनर्जी के नेशनल रोल के बारे में बातचीत हुई, क्या ममता बनर्जी के नेशनल रोल के बारे में बातचीत हुई? देखिए, राष्ट्रमंच में क्योंकि तमाम पार्टियों के नेता रहे, सांसद रहे, पूर्व सांसद रहे, प्रोफेसर अरुण कुमार जैसे अर्थशास्त्री रहे, जस्टिस एपी शाह रहे, जावेद अख्तर जी रहे, इन सभी लोगों ने जो बातें रखी हैं वो विस्तृत हैं, वो किसी एक नेता पे केंद्रित नहीं है, वो किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं है, वो इस विषय पर केंद्रित हैं कि इस देश को एक अल्टरनेट विजन चाहिए और इस देश में इतने ज्वलंत मुद्दे हैं और इतने कुशाग्र लोग हैं, इतने बुद्धिजीवी हैं, इतने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं कि जो उन मुद्दों को
सामने पटल पे रख सकते हैं आम नागरिक के लिए। सर ये पॉलिटिकल सॉल्यूशन के जरिए ही क्या अभी तैयार किया जाएगा, सॉल्यूशन भी देगा, क्योंकि बात अल्टीमेटली जो बातें उठा रहे हैं उसका समाधान एक पॉलिटिकली तरीके से देनी पड़ेगी, तो क्या मंच पॉलिटिकल सॉल्यूशन देगा 2024 के चुनाव में? हम ये मानते हैं कि जब देश के महत्व के मुद्दे, जो उसके मुख्य मुद्दे हैं, जो आम नागरिक की रोजमर्रा जीवन की बेहतरी से जुड़े हुए हैं, जब वो मुद्दे सामने आएंगे तो अपने आप उस तरह के सॉल्यूशन उभरेंगे। महत्वपूर्ण ये है कि नागरिक कौन सी मुद्दों को प्रधानता देता है और वो मुद्दे इस देश के भविष्य को निर्धारित करेंगे।